बानवे नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक। आज मैं सीखूंगी, सिंपल है, बहुत इजी। तो देखिए, पहले बानवे नंबर होता क्या है। तो ये नंबर आपको ऑलवेज 0 और 1 के फॉर्म में मिलेगा। आपको ऑलवेज इसमें 2 डिजिट 0 1 यूज होता है। इसके लिए इसका बेस क्या है, इसका बेस होता है ऑलवेज 2। आपको कोई भी नंबर रहेगा उसका बेस में ऑलवेज 2, तो मतलब वो है बाइनरी नंबर। फिर डेसिमल नंबर क्या है, हम वो देखेंगे। तो डेसिमल नंबर का बेस होता है 10। 10 क्यों? बिकॉज इसमें ऑलवेज 1 से लेके 9 तक नंबर यूज कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक। इसमें 0 भी आप करेंगे, 0 से लेके हम लोग 9 तक नंबर यूज करेंगे। इसके लिए इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीरीज, ये सीरीज क्या होती है, देखिए इम्पॉर्टेंट बहुत आपके लिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर का बेस कितना है, बेस है 2। तो इसके लिए आपको सब में जो 2 2 लिखना, आपको ये 2 आप कहाँ तक भी लिखो, और आपको मालूम है, आप यहाँ लिखो 0 पावर, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6, आपको अपनी कितना भी, आप 2 रेस्ट 7 जितना से अपना जा सकते हो। ओके, आपको मालूम है, तो सॉल्व करेंगे तो आपको 2 रेस्ट 0 1 1 मिलेगा, 2 रेस्ट 1 आपको 8 2 मिलेगा, 2 रेस्ट 2 आपको 4, 2 रेस्ट 3 8, 2 रेस्ट 4 16, 2 रेस्ट 5 32, 2 रेस्ट 4 64, 2 रेस्ट 7 128। तो देखिए, ये आपको सीरीज है, ये आपको इसे बार बार लिखना नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, इजी तरीका है, आप सिंपल क्या लिखो, आप यहाँ पर सिंपल इजी, आप यहाँ पर 1 लिखो। 1 का डबल क्या होता है, 2। 2 का डबल क्या होता है, 4। 4 का डबल होता है 8। 8 का डबल होता है 16। 16 का डबल होता है 32। 32 का डबल क्या है, 64। ऐसा आपको आगे जाते रहना है, ठीक है। तो आपको ऑलवेज पीछे रहना, राइट से आपको लिखना है। ओके, इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। आपको हमको क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का होता है 10। तो देखिए, अभी हम पहले नंबर लिखेंगे, जब आपको नंबर आते उसको लिखेंगे 0 1 0 1। मैंने ये बताया आपको सीरीज, जितना ही सीरीज है, अब ये लिखो। तो सीरीज का मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, यहाँ पर पहले 1 था, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब देखिए, इंपॉर्टेंट रूल है, जहाँ पर भी 1 रहेगा उसको ऐड करना है, यहाँ पर भी 1 होगा। तो देखिए, 1 यहाँ पर 4 के ऊपर 1 है, 1 है, तो इसको आप ऐड कर लो। तो 4 प्लस 2 के ऊपर 0 है, तो उसको लेना नहीं है। 8 के ऊपर 0, इसको भी लेना नहीं है, तो 1 के ऊपर 1 है, तो आपको ये, तो 4 प्लस 1 5, मतलब क्या हुआ, ये 5 है, 5 डेसिमल का बाइनरी नंबर गिवन है, ठीक है। इसको अब आगे देखते हैं हम, इसको देखिए, इसको आप कैसे करेंगे। सिंपल, ये आप लिख के लो 1 0 1 1, ये नंबर जो पूरा है मैंने इसको यहाँ पर सेम कॉपी कर दिया, बस 1 0 1 1। अब क्या करना है, आपका जो सीरीज है, सीरीज क्या है, पहले आप 1 लिखो, 1 का डबल है 2, 2 का डबल है 4, 4 का डबल है 8। अब जहाँ जहाँ पर 1 है उनको प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, ये 1 है, तो इसको हम प्लस करेंगे, मतलब 8 लेंगे 8। फिर यहाँ पर 1 है, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। अब डायरेक्ट करो तो आपको मिल जाएगा 11, 11 का बेस 10 आ गया। तो देखिए, ये वहाँ पर 1 था तो 8, प्लस यहाँ पर 1 था तो 8 2, प्लस ये 1 था तो ये 1, तो आपको मिलेगा 11। एक और मेथड है, आप सिंपल से क्या करो, 11 मिला तो उसको यहाँ पर लिखो 11 फैक्टराइज में करने के लिए। तो 2 5 10, हमारा एक बार क्या रिमाइंडर, आप यहाँ पर 1 लिखो, 2 2 4, हमारा एक रिमाइंडर बचा, वहाँ 1 लिखो, 2 2 4, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 आएगा। ओके, अब यहाँ पर 2 1 2, ठीक है, बस इतना होगा, 2 1 2, इतना खत्म। देखिए, अभी जो नंबर ये पूरे होगा आपको सेम कॉपी, ये पूरे होगा इतना पूरा, जो ये आपको यहाँ भी लेना है, आपको ये नंबर, ये भी इसको भी लेना है, ये इसको भी लेना है पूरा, यहाँ से नीचे से, तो 1 0 और ये 1 1। देखिए, सेम नंबर आपको ऐसा ये मिला, सेम नंबर यहाँ पर है। आप ये भी ये अप्लाई करो, या फिर आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब इसमें देखिए, इसमें सिंपल क्या करेंगे, 1 1 1 1 1, 5 टाइम है हमारा सीरीज। लिखिए, पहले 1 आता है, फिर 2 4 8 10 16। अब सब में 1 है, तो मैं आपको सबको प्लस करना है, तो ये 4
सिंपल से 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 30, 28, 28 प्लस 2 30 प्लस 1 31। ठीक है, आप सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सबको मिल रहा है 31। तो किसका बेस है ये? 31 का बेस 10 है। नेक्स्ट देखिए, अब एक ही नंबर सिंपल आपको यहाँ लिखना है, 0 0 फिर 1 0 1 1 1 0। ठीक है, हमारा सीरीज क्या है? 1 2 फिर 4 8 16 32। जहाँ जहाँ पर वन है तो वन देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ लेंगे 32 प्लस ये 8 है, 8 प्लस ये 4 प्लस ये 2, यहाँ पर इसको नहीं लेंगे। तो देखिए कितना मिला आपको ये, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44 प्लस 2 46, आपको क्या मिला ये? 46। देखिए आपको ऑलवेज जहाँ पर वन होगा आपको उसको ही ऐड करना है, 0 को इग्नोर करना है, तो आपको मिला ये 46। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको पहले लिखा बिकॉज समर टाइम बचाने के लिए। तो देखिए नंबर को आपको मेरा सेम ये फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए सिंपल, यहाँ पर वन कहाँ कहाँ पर, देखिए यहाँ पर वन था तो इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर वन इसको हम ऐड करेंगे, तो ये इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको फिर इसको फिर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, उनको क्यों नहीं लिया? बिकॉज वहाँ पर 0 है तो 0 को इग्नोर करना है। आप सबको प्लस करेंगे आपको मिलेगा 125। तो ये किसका है? 125 का है। देखिए नेक्स्ट क्या आपको सिक्स एग्जाम्पल, हमने सबको एक्सप्लेन किया। देखिए अब जहाँ जहाँ पर वन है तो वन कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये इधर पर वन दिख रहा, तो ये आपको इसको 256 प्लस, यहाँ पर 64 पर वन है, 64 प्लस 32 पर वन है, 32 प्लस 4 प्लस प्लस ये, ठीक है, तो आपको कितना मिला? 358 मिलेगा। आप ऐड करके देख सकते हो, तो आपको ये बेस में 10 रहेगा, आपको बेस में 10 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसको मैंने पहले ये फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने इसको पहले इजीली लिखा, फिर जहाँ जहाँ पर वन है तो वन देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर वन है तो 1024 प्लस, यहाँ पर वन है तो इसको मैंने लिखा प्लस, यहाँ पर वन है इसको मैंने लिखा यहाँ पर, फिर यहाँ पर वन है इसको भी लिए प्लस, यहाँ पर वन तो मैंने इसको भी लिया, आपको मिलेगा 1234। तो आई होप आपको ये समझा होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना। ओके, थैंक यू सो मच।